ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने नहीं कर सकते। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने दो महीने में, केवल श्रावण की दसवीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। श्रावण महीने की दसवीं तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो 11। हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और हम आपको बताने जा रहे हैं आज की कथा का उपाय, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। कल है सावन की दसवीं तिथि। ये सावन की दसवीं तिथि आपकी चाहे अंधेरी की हो या फिर उजाले की हो, किसी भी दिन पड़े आपको इस उपाय को करना है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी बनी हुई है, कर्ज बढ़ रहा है, कोई भी आय नहीं है, नौकरी चाकरी छूट गई है, तो आपको सिर्फ यह सीधा सा सिंपल सा उपाय करना है। आपको करना क्या है कि आपको जाना है जो आपके आसपास मंदिर हो, या फिर आप नर्मदेश्वर जी का अगर आप लेके रखे हो, शिवलिंग घर पे रखे हो, तो वहाँ पे भी आप उपाय कर सकते हो। आपको करना क्या है कि सिर्फ आपको 11, 21, 7, 51 ये आपको लेना है समी पत्र। जी हाँ दोस्तों, समी पत्र। और समी पत्र को करना क्या है, जब आपको जाना है शिवलिंग में और वहाँ पे शहद में डुबोकर जब आप चढ़ाएंगे तो शिवलिंग में वो चिपक जाएगा, क्योंकि इससे भी देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार किया जाता है। जब वो शिवलिंग में अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, 11, 21 जो भी आपकी इच्छा हो, आप ये नहीं है कि आप इतना ही चढ़ाओ, जो भी पर्याप्त मात्रा में आपको मिल सके वो आपको चढ़ाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, समझ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको जितनी बार आप उसको चपकाएंगे उतनी बार आपको जाप करना है। और उसके बाद बोलना है, हे भोले बाबा, हे भोले भंडारी, हे कृपाल दर्शी, आप तो देवों के देव महादेव हो, आपकी कृपा से ही लक्ष्मी आती हैं। क्योंकि शिव पुराण में लिखा गया है कि विष्णु भगवान ने बोला है कि हे लक्ष्मी, कोई भी आता है ऐरा गहरा, आप उसके पास चले जाते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर देवाधिदेव महादेव का आदेश होगा तभी आपको जाना होगा, नहीं तो आपको नहीं जाना है। तो आपको ये सिंपल सा उपाय करना है और आपकी अपनी जो मन की मनोकामना है कर्ज मुक्ति के लिए या फिर धन प्राप्ति के लिए, जो भी बोलना है आपको देवाधिदेव महादेव से बोलना है। जब महादेव का आशीर्वाद होगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके।